मेधा एक कवि और लेखिका हैं और वो भक्ति वर्सिटी की संस्थापक हैं। तो जो सारे के सारे इंसान हैं, वो सारे के सारे इंसान चाहे वो किसी भी तरह से दुनिया में छोटी छोटाई और बड़ा का एक जो पैमाना बना दिया गया हो, कसौटी बना दी गई हो, लेकिन सब हैं इंसान ही। और उससे आगे हम बढ़ के बात कहें तो सब है प्राणी, सब में प्राण है और सब में वही जो है ईश्वर है। तो इससे भेद करना है और तब फिर अहिंसा का सवाल कहाँ से उठता है। तो ऐसे ही कुछ परिवेश में मैंने अहिंसा को अपने भीतर पाया। चाहे आप कितनी बड़ी भी बात कर दे, लेकिन जीवन में अगर आपके अहिंसा नहीं है, और अहिंसा कैसे आएगा, अहिंसा को प्राप्त करने का जरिया क्या होगा, तो ये सारे सवाल मन में मतलब गहरे पैठते रहे। राजनीति जो है वो एक तरह से आपके हाथ से बाहर भी कई बार हो जाती है, और इसने राजनीति में ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से सिखाया कि हम जो जितनी भी एक्टिविज्म की बात करें, सामाजिक आंदोलन की बात करें, राजनीतिक आंदोलन की बात करें, चाहे वैकल्पिक राजनीति की बात करें, चाहे हम चुनावी राजनीति की बात करें, उन सब की सफलता जो है सिर्फ एक ही बात पे निर्भर करती है, वो बात ये है कि मनुष्य का निर्माण। तो हमारा जो इतिहास है वो बार बार दोहराया जा रहा है और बार बार उसी असफलता का सामना करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि हमने मतलब इंसान बनाना नहीं सीखा। और वो इंसान बनाना कहाँ से सीखना हुआ? एक गांधी के बनने से नहीं हो सकता है। हमने क्या किया कि प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और भक्ति वर्सिटी की प्रक्रिया में हमने ये तय किया कि हम बेशर्त मोहब्बत और पूरी तरह से पारदर्शिता, 100% पारदर्शिता और बेशर्त मोहब्बत पे इस प्रक्रिया को रखेंगे। और हमने पूरी कोशिश की और उसके बहुत सारी चुनौतियां भी आई। हमारे पास भक्ति आंदोलन का इतना बड़ा विरासत है जिसने सभी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को, क्लासिकल सिस्टम को, मतलब जो भी फ्यूडल स्ट्रक्चर था सबको इतनी मतलब तेजी से धक्का दिया और उसको तोड़ दिया। और वो अखिल भारतीय आंदोलन है, उसमें क्या नहीं है, उसकी डाइवर्सिटी में मुझे लगता है कि अगर कोई एक हिस्ट्री में एक पीरियड हो जो पूरी तरह से भारत के सुंदर छवि को, रंगीन छवि को पेश कर सकता है, तो वो भक्ति आंदोलन है। लेकिन हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में तो नफरत की ही बात होती है। इस खूबसूरत, इस मोहब्बत की बात को हम क्यों नहीं फैला पा रहे हैं? तो ये कॉल, और अभी जो हमारे देश की, अब बल्कि पूरे विश्व की जो चुनौती है कि हमने इतना गहरा पोलराइजेशन होता जा रहा है और नफरत की बात, हम जो बहुत सद्भाव से भरे लोग हैं वो लोग भी तो नफरत की ही बात करें, कह रहे यहाँ नफरत हो रहा है, नफरत खत्म करो। लेकिन नफरत की बात करके केवल नफरत खत्म नहीं की जा सकती, आपको मोहब्बत की बात करनी होगी, मोहब्बत की खुशबू फैलानी होगी। और भारत इतना समृद्ध है, उस थाती को आपके पास हीरे ही हीरे हैं। तो ये जो वैष्णवता, एक तरह से कह सकते हैं हमारे राष्ट्रवाद के अवधारणा में भी अवधारणा में है। फिर हम जब गांधी, पूरी हमारी लड़ाई इसके आधार पे लड़ी गई। फिर हम आते हैं तो हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया उसके मूल में भी दो, मुझे लगता है कि दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहिंसा का और दूसरा टॉलरेंस का, है ना, सहिष्णुता का। लेकिन मुझे लगता है कि और अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे से कहा, हमारे इतिहास में पूरा उदाहरण है कि हमको अगर भारत का पुनर्निर्माण करना है तो उसके लिए रास्ता अहिंसा ही है। और हम अंबेडकर, मतलब गांधी और अंबेडकर के जीवन को हम देखते हैं कि वो पूरा अहिंसा का उदाहरण है। अंबेडकर जब महाड़ आंदोलन कर रहे होते हैं 1927 में, और उनको बहुत गहरी चोट लगती है, तो उनके सारे जो सारे साथी हैं वो कहते हैं कि आप एक बार इशारा कीजिए तो हम इस हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि और लंबी लड़ाई लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई न्याय के लिए। तो पूरी की पूरी परंपरा, हमारे राष्ट्रीयता की नींव ही पड़ी है अहिंसा के विचार पे। क्या हम टॉलरेंस की जगह एक्सेप्टेंस शब्द को ला सकते हैं अपने जीवन में, अपने सिद्धांत में, कि स्वीकार्यता, स्वीकार में दर्द नहीं है, है ना, वो प्रेम से पहले की सीढ़ी है एक तरह से, लेकिन वो भी कम पड़ता है। प्रेम उस वो अल्टीमेट रास्ता है जिसके जरिए हम अहिंसा को पा सकते हैं।
और वो प्रेम हमें भक्ति भक्ति का मार्ग जो है वही प्रेम सिखाता है। मुझे लगता है कि अहिंसा बिना प्रेम के संभव नहीं। आप अपने ऊपर आरोपित करते हैं विचार के रूप में, दर्शन के रूप में, तो आप हमेशा व्यवहार के रूप में नहीं उसको लागू कर सकते हैं। अगर आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना है तो वो प्रेम ही हो सकता है। अंधेरे के बारे में बात करके अंधेरा नहीं दूर कर सकते, हमको अंधेरे के को दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया जलाना होगा। तो हर तरह की जो हिंसा है उससे पहले तो अपने को बचाना बहुत जरूरी है। उसमें संगीत मदद कर सकता है, प्रकृति मदद कर सकती है, और एक तरह से आप देखिए ना, हर चीज जो है जो आपको अपने से कनेक्ट कर देती है वो एक तरह से वो अहिंसा ही है, वो प्रेम ही है।